किचन की जानिब आइए जरा हमारे साथ, क्योंकि क्योंकि हम काम की बात कर रहे हैं। भी आ जाओ, आइए मीरब, आइए बेटा। समिया हमारी बहुत ज्यादा शेफ हैं और समिया ने आज चपली कबाब अंदाज में वेलकम करेंगी। शेफ समिया, ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द किचन। समिया के साथ हमने लास्ट ईयर डॉन एक चैनल था, उसमें हमारे लिए बड़े मजे मजे के खाने बनाती थी, बड़े मजे मजे की इफ्तारी बनाती थी। क्या सादिया, आपने पूरे उन 30 रोजों में या 29 जितने भी रोजे थे, क्या आपने कभी कोई चीज तोड़ी समिया के किचन में? नहीं, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एहसन खान को जाता है। मैंने क्या तोड़ा? देखे तोड़ने में ना, ये माहिर है, दिल तोड़े चीजें तोड़े, नहीं ये खुश हो जाए, ये बलोई अखवालिया जो होते हैं ना, ये तो आंख दिल तोड़ दो। एक मिनट समय, मैंने कोई चीज तोड़ी? नहीं, सच बोला ना मैंने, जो रोजे में गलत बयानी तोड़ा नहीं, गलती से गिर गया, स्लिप हो गया, थोड़ा आज ना टूट जाए कुछ। आज कल एक प्याला उठाया, वो कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो गया, दो तीन दफा चीजें गिरी कि मैंने कहा यार मैं प्याला उठाते उठाते स्लिप कर देने लगा। उस चक्कर में जो सेगमेंट शुरू हुआ वहीं पे कोने पे खड़े हैं। हाँ, मैंने कहा पास आता है कभी चम्मच, देख ये क्या है, वो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा सादिया, पेशावर में हम चपली के बाबा, आपने पेशावर सेंटर से काम किया ना? यस, बहुत ज्यादा। आपने तो हर सेंटर से काम किया, कौन सी ऐसी जगह जहाँ से काम नहीं किया? क्वेटा सेंटर, लाहौर सेंटर, लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, तमाम सब जगह से काम किया माशाल्लाह। तो जब हम पेशावर जाते हैं चपली कबाब बहुत खाने को मिलते हैं, तो आज समिया ने जबरदस्त थोड़े साइज में भी बड़े बड़े होते हैं, एक जितना एक इस एक डिश जितने कबाब हैं, और वो चर्बी में तले जाते हैं। जब हम पहली दफा गए और उन्होंने अय्यूब खोसे साहब ने हमारे साथ थे उस ड्रामे में, तो कह लेंगे ये खाओ, मैं इनका स्मेल करे खा के देख, उसके बाद सीरियसली मैंने रोटी से खा के चटनी खाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लेकर आते हैं फेवरेट डिश कौन सी है, स्पेशली रमजान के रोजों के बाद जब शाम को दिल करता है कुछ खाने को, तो वो क्या चीज है जो चाय के अलावा? चाय के अलावा कहने ये बात है, हमारे यहाँ एक्चुअली रमजान में मैं और मीरा भी होते हैं, और तो ज्यादातर हमारे यहाँ खाना ही लगता है, डायरेक्टली हम खाना खाते हैं। मीरा को क्या पसंद है? मीरा, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट मीरा, जो बहुत मजे की खाने की चीज होती है जो दिल करता है? मुझे पुलाव पसंद है। अच्छा, मतलब के खाने में तो मुझे पुलाव पसंद है, वो मटन का हो, बीफ का हो या चिकन का। और मीरा को क्या पसंद है? हर जुमे को बननी चाहिए। अच्छा पुलाव कौन सा सादिया, मटन या बीफ या चिकन? पुलाव वैसे तो मटन एंड बीफ में यखनी पुलाव अच्छा लगता है, चिकन क्योंकि ड्राई कर देती है। चिकन पुलाव को ही पुलाव नहीं, लोगों ने खुद बना लिया, असल जो है मटन और बीफ का पुलाव। मुझे उससे याद ही आया, ज्यादा खानों के बारे में उस तरह से मालूम नहीं खाने का पता है, लेकिन जब ये पुलाव बनता है मटन का, तो वो जो कुछ गोश्त होता है जो चर्बी के साथ वाला लेते हैं, ताकि उसकी स्मेल और उसकी ऐसा ही सच बातें करें खाने की मुंह बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ये क्या था, बहुत चर्बी है। वैसे मुझे याद है जब लास्ट टाइम कल क्या हुआ था ऑडियंस के ऑडियंस के साथ? कल मैं मुझे कल राबिया ने ऑडियंस के पास गई, लेकिन राबिया बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने आपको दिया, मोहब्बत करते हैं बहुत लोग राबिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मुझे। उन्होंने क्या कहा था? जो आपका नाम लिया ना, मोहसिन बेटा। और नहीं नहीं, फिर कहती नहीं नहीं ऐसा बेटा। अच्छा जनाब सादिया, मुझे ये बताएं, जान ले कि आज बना क्या है? चपली कबाब बने, आज चपली कबाब बने हैं, आज हमारा जो मीठा बना है, काम की बात कर ले, जो हमारा मीठा बना है वो कस्टर्ड है। मुझे याद है लास्ट टाइम हमने जब डॉन में एक साथ काम कर रहे थे, तो उस दिन हमने शायद पैनकेक्स बनाए थे, और वो मीरम ने कहा था कि बस मुझे बस फौरन घर जाना, मैंने दूध 1 लीटर, मकई का आटा 4 से 5 चम्मच, मकई आधा कॉर्नफ्लावर बेसिकली, चीनी आधा कप, जामे चीनी 6 चम्मच, और ऑल पर क्रीम गार्निशिंग के लिए। अच्छा इसमें मकई का आटा ना डालें और कस्टर्ड डालें तो वो गलत हो जाएगा? नहीं नहीं, आप वो भी डाल सकते हैं, बल्कि मकई का आटा नहीं है एक्चुअली, ये कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर ये भी गर्म बना है, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप गार्निशिंग। इसको इतना टाइम नहीं होता ना, यस, और फिर इसको फ्रिज में रखा जाता है। अच्छा कस्टर्डी टेक्सचर तो है, ठीक है, मुझे दूर से ऑनेस्टली ड्रिंक लग रही थी, ये तरीके आ रहे हैं
कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे शादी इमाम कर रही है, एक जो है हम लोग मीरा के साथ भी करवाते हैं, ठीक है राइट मीरा, करना इस पे दिल बनाते हैं शादिया नहीं वो मीरा बनाएगी, मीरा बनाएगी, मीरा हार्ट बनाएगी, वैसे तो दिमाग बनाना चाहिए जितना खाती है। चलो मीरा गो। साथ में हमने ऑलपर्स दूध इस्तेमाल किया था बनाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि ऑलपर्स इज बेस्ट क्वालिटी, वहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यार ये हार्ट तो दिखाना जरूरी है, ऐसा दिल तोड़ते हैं हम, दिल जोड़ रहे हैं। यार मीरा ने कितना प्यारा दिल बनाया, ये समिया के हाथ में ये देखिए, और ये वेरी क्यूट, वेरी नाइस। नट्स भी डाल दो मीरा, इसके इर्द गिर्द डाल दो नट्स डाल दो भाई, तुमने डेकोरेट किया ना उधर अपने हिसाब से कर दो। तो ऑलपर्स क्रीम और ऑलपर्स मिल्क इस्तेमाल किया गया है, एंड ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे जामे शीरी भी इस्तेमाल किया था, जामे शीरी हमने मिल्क के अंदर ही डाल दिया था ताकि वो एक पिंक सा कलर आ जाए, बट थोड़ा सा उसको ऊपर भी करेंगे, कैप में डाल के ड्रिजल कर दो, स्पून के साथ कर लेना, स्पून के साथ कर लें यार, आप चमचे बहुत, चमचों की कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अच्छा ये इधर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जामे शीरी ज्यादा भी हो तो दिल नहीं भरता, मजा आता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं हमारी मेन डिश के साथ ऐसे, मैं हाथ लगाने से थोड़ा ग्रेज कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ और डालो, ये डालो, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि कोई बादाम जो है ना वो बचे नहीं, क्योंकि सेहतमंद चीज होती है, बहुत फायदेमंद है, तो ये जरूर इसमें बादाम ज्यादा बचे, आप ले लें स्पेशली फॉर द केक। यार एक ग्लास लीजिए, ये मैं पढ़ने के लिए, सादिया हाथ में होती है तस्बीह तो याद रहता है कुछ ना कुछ पढ़ना, आदत है मैं तस्बीह हर वक्त। अच्छा मुझे सादिया बताएं कोई ऐसी दुआ या वजीफा या विर्द जो सादिया हर वक्त करती रहती है, उनको लगता हो कि अस्तगफार, अस्तगफार, मेरा ख्याल है जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो अपने ही किए हुए जो हमारे गुनाह है, कितनी हम समटाइम गुनाह नहीं मानते, कोशिश होती है, प्लान गलतियां होती हैं छोटी मोटी सी, ना कहानी में अनजाने में हम झूठ बोल देते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, बच्चों को बिला वजह डांट देते हैं। पहले तो सबसे पहले माँ बाप को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा कि ये भी आप ज्यादती करते हैं, बच्चों को बिला वजह डांटना भी उनके साथ बच्चों पर आप ज्यादती करते हैं, आपके पास पैसे कम है तो बच्चों की फसल के ऊपर आपका सारा गुस्सा है, या आपके अंदर किसी भी मियाँ बीवी को लेके कोई प्रॉब्लम है, या कोई जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर निकलती वो भी ज्यादती है। तो मेरा ख्याल मैं सबसे ज्यादा इस्तगफार पढ़ती हूँ। मीरब आपको बताएंगी मीरब का बेस्ट फ्रेंड कौन है, ताकि ये भी आपको पता चले मीरब का बेस्ट फ्रेंड बताएं। अल्लाह ताला इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अब सारी बातें जो होती हैं अल्लाह ताला से करती हैं, अल्लाह ताला से मशवरे मांगती हैं, अल्लाह ताला से हेल्प मांगती हैं, इनको जो चाहिए होता है ये मेरे पास जब आती है मुझसे पूछती है कि मुझे ये चाहिए, इस सीट पे मुझे चाहिए, मैं कब अपने, हाँ आज योर बेस्ट फ्रेंड वो देगा मैं आप तक पहुँचा दूंगी, और वो दे देता है। अब यकीन मानिए अच्छी ट्रेनिंग है, ये बहुत प्यारी बात है।